हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके सामने दोस्तों एक नई वीडियो लेके आया हूँ। हमारे पास डिस्कवर 125T है दोस्तों। इसका मैं आपको क्लच खोल के दिखाने वाला हूँ कि किसी क्लच प्लेट काम नहीं कर रही है, पिकअप गाड़ी नहीं बना रही, तो उसकी क्लच प्लेट कैसे सही करें मैं आपको ये बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो ये दोस्तों एक क्लच कवर है, तो इसके लिए हमें इस क्लच कवर को निकालना पड़ेगा इसका क्लच प्लेट डालने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारी जो किक है, तो दोस्तों इसकी सबसे पहले हम किक खोलेंगे 12 नंबर पाने चाबी से। आप इसको खोल सकते हैं, इसकी किक का जो ये नट है 12 नंबर का होगा और ये बड़ी ही आसानी से खुल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं खुल चुका है, तो हम इसका अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं, जिसके लिए हमें 8 की गोटी चाहिएगी, जिसके लिए हमें इसका क्लच कवर खोलना पड़ेगा। ये हम इसके 8 की गुटी से सारे नट खोल लेते हैं क्लच कवर वाले, और हमने ऊपर तार निकाल लिया है। सारे नट आप 8 की गुटी से खोल लें। जैसे कि दोस्तों ये सारे नट खुल चुके हैं, तो हम इसका क्लच कवर निकालते हैं बाहर। ये बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा जो इसका क्लच कवर है। जैसे कि दोस्तों ये क्लच कवर आ चुका है बिल्कुल बाहर। ये काफ़ी गर्म है इसलिए मैं इसको निकाल नहीं रहा हूँ बाहर। जैसा कि आपके सामने ये इसका जो क्लच का सिस्टम है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब दोस्तों ये जो पीछे जो इसके 8 नंबर के सारे बोल्ट लगे हुए हैं, हमें इसे खोलना पड़ेगा। 8 नंबर की गोटी से खुल जाएगा। ये सारे नट आप लूज़ कर लें और इसको निकाल लें नटों को। और इसको देखते हैं क्लच प्लेट के अलावा क्या क्या कटा हुआ है। अभी ये सेंटर, और हर डिस्कवर गाड़ी का दोस्तों सेम ही होता है क्लच। सीख डिस्कवर में अलग है शायद। हम इसको खोल लेते हैं। जैसे कि हमारी प्लेट निकल चुकी है, इसके बाद आप जो स्प्रिंग है ये निकाल लीजिए। अब इसकी स्प्रिंग निकल चुके हैं, तो इसके बाद हम ये जो आपको नट दिख रहा है हमें इसे खोलना पड़ेगा, और इसमें हम गोटी लगा के चेक कर रहे हैं, हमें कूलर की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो 6 दांते वाला कूलर हमने लगाया है, दोस्तों इसकी जो चूड़ी है वो उल्टी है। और जैसा कि हमारा नट खुल चुका है, इसका क्लच का नट दोस्तों बड़ी आसानी से खुल चुका है। अब इसका हवर सेंटर बाहर निकालते हैं, लेकिन ये काफ़ी दोस्तों काफ़ी गाड़ी गर्म है।
और जैसा कि हमने इसका निकाल लिया है क्लच का पूरा हाउसिंग, और उसके बाद हम इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ कटी हुई निकली है। इसको देखते हैं दोस्तों, अभी पहले क्लच प्लेट अलग कर लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से। इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये दोस्तों कट चुका है। ये दोस्तों सही लग रहा है। हम इसको पूरा अच्छी तरीके से कपड़े साफ़ कर लेते हैं। पेट्रोल को हमने देखा दोस्तों, पेट्रोल से हमने इसकी सफाई कर दी है पूरी, और उसके बाद हम इसको कपड़े से साफ़ कर लें या फिर ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ कर लें इसको। और दोस्तों हमारे पास ये क्लच प्लेट है इसकी बजाज की, और ये हमने नया लिया है क्योंकि ये कटा हुआ था दोस्तों। और इसकी प्लेटें डालते हैं, साथ में एक प्रेशर प्लेट डालते हैं दोस्तों। प्रेशर प्लेट देख लीजिए, प्रेशर प्लेट डाल दी है। ये देख लीजिए दोस्तों किस तरह इसकी क्लच की सेटिंग हो रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं क्लच सही तरीके से लग गया है। इसका जो ये लगा दिया है हमने इसका, ये भी अब इसके बाद इसको इसके अंदर फिट करें क्लच हाउसिंग के अंदर, वह बड़ी आसानी से फिट हो जाएगा। जैसा कि हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है, हमने दो नट लगा लिए हैं हमने सामने। जैसा कि दोस्तों ये बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से फिट हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ वाशर लगा ली और ये नट जो है टाइट करें। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा इसकी उल्टी चूड़ी है।
थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसकी उल्टी चूड़िया, क्योंकि मैं बार बार सीधा टाइट कर रहा था। अरे बढ़िया, आसानी से टाइट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये टाइट हो चुका है बिल्कुल एकदम फ्री। अब उसके बाद इसमें स्प्रिंग लगाते हैं और ये जो इसके नट हैं प्लेट के साथ वो टाइट करते हैं। और स्प्रिंग लगाने के बाद दोस्तों इसकी प्लेट लगा के इस पे जो नट है वो टाइट करें। जैसे कि दोस्तों नट जो हैं वो आमने सामने ही टाइट करें, क्योंकि अगर एक एक करके टाइट करेंगे तो इसका जो ये प्लेट है वो टूट सकती है बड़ी आसानी से, इसलिए आमने सामने नट टाइट करें। जैसा कि आठ की गुटी से देख रहे हैं, आया आठ की गुटी से ही टाइट होंगे। और स्प्रिंग देख लें कि ये बीच में ही लगी है ना, कहीं साइड में लगी होंगी, दिक्कत होगी। और इसको टाइट कर लें।
जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि टाइट होने वाले हैं। अब उसके बाद दोस्तों बीच में जो है बैरिंग है वो लगा लें। और उसके बाद जो है क्लच कवर आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्लच कवर जो है बड़ी आसानी से लग चुका है। उसके बाद सारे नट ये सामने सामने सारे नट क्लच के टाइट कर लें। और ये सारे नट टाइट कर लें। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक थी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट।